ग्वालियर में 25 सितंबर को गुर्जर महाकुंभ के दौरान हुए उपद्रव के मामले में गुर्जर समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। गुर्जर समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने एसपी से मुलाकात कर आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। गुर्जर समाज में पुलिस अधीक्षक से किसी भी बेगुनाह को प्रताड़ित न किए जाने की गुंजाइश की है। वहीं एसपी ने समाज को उपद्रवों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि 15 सितंबर को ग्वालियर में गुर्जर महाकुंभ के दौरान उपद्रव हुआ था। उस दौरान गुर्जर समाज के साथ ज्ञापन देने आए लोगों की भीड़ में कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट पर पथराव किया था, पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट की और शहर के कुछ इलाकों में भी हंगामा हुआ था। गुर्जर समाज के कुछ वरिष्ठ जन आए थे यहाँ पर और उनका 25 तारीख को जो घटनाएं हुई उसके बारे में उनका से चर्चा हुई और उनका ये मानना था कि वो बड़ा खेदजनक घटना हुई जिसमें इस तरह से कुछ लोगों ने हमला किया और ऐसा उनका भी मानना था और बेचना भी इस तरह से आ रहा है कि कुछ लोगों ने पर्टिकुलर षड्यंत्र करके ये किया और कुछ लोगों को उकसाया। इसमें उनका ये कहना था कि वो चाह रहे थे कि जो लोग भी मुलजिम बने उनका प्रॉपर रिकॉर्ड चेक कर लें कि एविडेंस वगैरह हैं, उसके बाद ही उन पर कार्रवाई करें ताकि जो कोई निरपराध आदमी या अचानक ही इस सभा में आ गया इस वजह से मुलजिम ना बने। उनको आश्वस्त किया गया है कि पुलिस जो है सारी चीज़ों का एविडेंसेस देख रही है और जिन्होंने कंस्पिरेसी करके किया है और जिन्होंने इस तरह से तोड़फोड़ या मारपीट की है जो दिख रहे हैं वीडियो पे, उन पे ही पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका कोई ठोस एविडेंस है उसके पास कि उसके द्वारा अपराध नहीं कारित किया गया तो उस पर भी हम लोग विवेचना में उसको देखेंगे।